2024 में बीटेक कोर्स में एडमिशन ले लिया है या फिर एक अच्छे रोड मैप के लिए सोच रहे हो? कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने बीटेक फर्स्ट ईयर जर्नी में ध्यान रखने होंगे? क्या है वो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपके बीटेक जर्नी को स्मूथ एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2024 में अपनी बीटेक जर्नी को स्मूथ एंड सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो है आपके लिए, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर रोड मैप। सो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स जब अपना कॉलेज चूज कर लेते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि उनको अपनी कॉलेज लाइफ और अपनी स्टडीज को बैलेंस कैसे करना है, कैसे ये स्टूडेंट्स अपने आप को अपस्किल रख सकते हैं जिससे कि उनको उनकी स्टडीज में भी फायदा मिले और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिले, किस तरह से स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी मार्क्स को सेक्रीफाइस किए। तो इन सारे कंफ्यूजन्स के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा और कॉलेज सच के चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि उनको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। उनको खास करके ये बताया भी जाता है कि एग्जाम्स के 2-4 दिन पहले प्रिपरेशन करके आप अपने एग्जाम में 6-7 CGPA ला सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको सारी स्टडी सेकेंड ईयर से ही शुरू करनी है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट ईयर से ही अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखनी है। बीटेक्स के सब्जेक्ट मोस्टली सेम ही रहते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आपको स्टार्टिंग ईयर में हर ब्रांच का सिलेबस सेम ही लगता होगा। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्स के 4-5 दिन पहले ही प्रिपेरेशन करनी स्टार्ट करनी है। आपको फ्रॉम द बिगनिंग अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की प्रिपेरेशन अच्छे से कर लोगे तो आपको फोर्थ ईयर में उतनी ही रिलैक्सेशन मिलेगी और आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दे सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे क्लास 11th और 12th में मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं अपना UG कोर्स कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स UG में अच्छे मार्क्स लाते हैं वो अच्छे तरीके से PG कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और उनको अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में हो, आपको अपनी स्टडीज शुरू से ही करनी होगी जिससे कि आपको फ्यूचर में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। बिकॉज आप अपनी स्टडीज अच्छी करोगे तो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही अच्छी मिलेंगी। अब बात करेंगे हम अटेंडेंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया होगा कि आपको अपने कॉलेज में 75-80% अटेंडेंस जरूर रखनी पड़ेगी, वरना आपको उस कॉलेज का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा या फिर आपको पेनल्टीज बियर करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, अटेंडेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉलेज करियर के लिए। अगर आपको सच में कोई इमरजेंसी होगी तो आपको कॉलेज रिलैक्सेशन जरूर दे देगा, लेकिन वहीं पर अगर आप इंटेंशनली छुट्टियां ले रहे हो तो वो आपके करियर पे और आपके टीचर्स पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ने का मन ना करे, लेकिन आपको इस वजह से अपना कॉलेज मिस नहीं करना है। आपको अपना कॉलेज अटेंड करना है। आप अपनी क्लास पे बैक बेंच पे बैठ सकते हो, अपने फ्रेंड से नोट्स ले सकते हो और अपने अटेंडेंस को फुलफिल कर सकते हो। अब बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट की टेंशन लेने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में ऐसी कई सारी एजेंसीज है जो आपको असाइनमेंट बनवाने में आपकी हेल्प कर सकती है। इस तरह से आप अपना असाइनमेंट टाइमली और अच्छे से बनवाकर अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। अब आते हैं इंटर्नशिप पे। तो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आके ही इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर देना चाहते हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने का सही टाइम पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो अब आपको ये नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको इंटर्नशिप तब तक स्टार्ट नहीं करनी है जब तक कि आप सफिशियंटली स्किल्ड नहीं हो जाते, क्योंकि अगर आप कोई भी इररिलेवेंट इंटर्नशिप कर लेते हो तो वो आपके करियर पे और आपके रिज्यूमे में भी फर्क डाल सकता है। अब बात करते हैं अपस्किलिंग पे, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके बीटेक करियर को स्मूथ एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई तो रेगुलर रखनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपस्किलिंग प्रोसेस को भी मेंटेन रखना होगा, क्योंकि जब प्लेसमेंट के टाइम पे कॉलेज में रिक्रूटर्स आते हैं तो वो उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जो कि अपने एकेडमिक्स में भी अच्छे हो और उनके पास कोई ना कोई प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज भी जरूर हो। तो इसके लिए आप अपने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जैसे अपस्किल को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट पे भी कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपने आप
आपको अपस्किल रख सकते हो। इन सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज से आपको आपके एकेडमिक्स में और अपनी प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, यानी कि हम बात करेंगे सोसाइटीज एंड कॉलेज लाइफ के बारे में। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉलेजेस में हमें सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपने कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको एक या दो सोसाइटी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर आपको ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप ड्रामा क्लब ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप डांस क्लब ज्वाइन कर सकते हो, सिंगिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो, फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से और कई सारे ऐसे क्लब्स होते हैं जो आप अपने कॉलेज में जाकर सोसाइटीज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये सोसाइटीज ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपना मेजर फोकस इन सोसाइटीज पर ही रखो, बिकॉज आपको अपनी पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपके बीटेक फर्स्ट ईयर जर्नी को स्मूथ एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने अपनी बीटेक की जर्नी में कौन से स्किल्स लर्न किए हैं जिससे कि आपने अपने आप को अपस्किल किया है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।